गृह विभाग ने दी स्वीकृति, पहली बार ट्रैफिक संभालेंगे होमगार्ड के 100 जवान, जाम से मिलेगी मुक्ति। शहर की यातायात व्यवस्था में मैन पावर की कमी को देखते हुए पहली बार होमगार्ड के 100 जवानों को तैनात करने की तैयारी चल रही है। गृह विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। वित्तीय आवंटन मिलने के बाद चयनित जवानों को 3 महीने की ट्रेनिंग देकर ट्रैफिक ड्यूटी में लगा दिया जाएगा। ट्रैफिक SP कुमार गौरव ने बताया कि ट्रैफिक में जल्द ही स्ट्रेंथ बढ़ाया जाएगा। बताते चले कि ट्रैफिक में 700 स्वीकृत पद होने के बाद भी 100 महिला बल समेत सिर्फ 400 जवानों की ही तैनाती की गई है। ऐसे में कई चौक चौराहों पर जवानों की संख्या कम है, अचानक वाहनों का लोड बढ़ जाने पर जाम लग जाता है। एक ही जवान को घंटों ट्रैफिक संभालनी पड़ती है। वर्कलोड काफी ज्यादा होने से जवानों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। 100 होमगार्डों की तैनाती होने से काफी हद तक वर्कलोड कम हो जाएगा। जिन होमगार्ड जवानों की तैनाती यातायात संभालने में की जा रही है, वे अभी अंगरक्षक का काम कर रहे हैं या उनकी ड्यूटी थाने में लगी हुई है। वित्तीय स्वीकृति मिलते ही इन होमगार्ड जवानों की तैनाती खाली कटिंग पर की जाएगी या जिन ट्रैफिक पोस्ट पर जवानों की संख्या कम है वहाँ स्ट्रेंथ बढ़ाया जाएगा।